बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साबिर सैन भट्टी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल साबिर मैक्स टीवी। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारा आज का जो नुस्खा है ये है मजून मकवी। ये एक मजून का नुस्खा है जो कि बेहतरीन मकवी बा मुगलज मनी गुर्दे दिमाग दिल आसाब और शहवत को बरंगेख्ता करने के लिए एक बेहतरीन मकवी चीज़ है। तो आइए आते हैं नुस्खे की जानिब। दरवंज अकरबी जुंद बदस्तर तीन तीन माशा बाल छड़ इलायची कलां अगर माई गूंद कीकर हर एक पांच माशा पनीर माया शतर आराबी गाउजबान बादरंज बोया फरंज मुश्क रेग माई मगज फंदक हर एक सात माशा बोजिदान सुरंजा शीरी तोदरी सुरख तोदरी सफ़ेद बामन सुरख बामन सफ़ेद जंजबील पुदीना खुश्क खार खुश्क दूध में भगो कर खुश किया हुआ खशकाश सफ़ेद कुंजद सफ़ेद मुकशर यानी कि हाथ से मले हुए सफ़ेद तिल तुखम गुजर तज मगा कचूर मस्तगी रूमी जैफल जावत्री कस्त शीरी मगज तुखम खरबूजा हर एक दस माशा इंद्र जो शीरी दार चीनी लौंग इलायची खोर्द हर एक चौदह माशा खुलंजा शकाकिल मिसरी सालिब मिसरी अजवैन खुरासानी हर एक एक तोला। ये तमाम चीज़ें कूट छान कर इनका सफूफ तैयार करें। सफूफ तैयार करने के बाद तीन गुना शहद लेकर उसका कवाम करें। कवाम करके उसमें अगर मुश्क तो आज का मिलता नहीं है, अंबर मिल जाता है, अंबर दो माशा और ज़ाफ़रान अगर एक नंबर मिले तो वो एक तोला अर्क सौंफ में उसका उस जो है खलल करें, खलल करके कवाम में मिला दें और नीचे उतार कर वो जो सफूफ बना हुआ है दवाइयों का वो इसमें डाल दें और एक माजून बनाकर तकरीबन सात माशा एक इसकी खुराक है सुबह और सात माशा शाम को ये इस्तेमाल करें। ये इंशाल्लाह आपकी तमाम कमज़ोरियाँ जो मैदे में हैं जिगर में हैं आसाब में हैं दिल में हैं गुर्दों में हैं अंतड़ियों में हैं पट्ठों में कोई मसला है तो अगर कुव्वत बा की कमी है मनी का पतलापन है और यानी कि ये तमाम बॉडी के लिए एक बेहतरीन मकवी मजून है। आप इसे बनाएं इस्तेमाल करें, हमें दुआ में याद रखें। अगर हमारी ये काविश अगर हमारा ये नुस्खा आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और किसी भी नुस्खा को हासिल करने के लिए पूछने के लिए हमें कमेंट करें। तो अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।